हेलो एवरीवन, आज अपन लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट करेंगे। हमारा लॉजिकल रीजनिंग का अपन आज एक और चैप्टर कर लेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आज अपन सब समझ लेंगे। लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, क्या नाम है इसका? लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें अपन को 5 वर्ड्स दे रखे हैं, 5 वर्ड्स दे रखे हैं, और इनको अपन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाकर करेक्ट आंसर को टिक करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनको किसी एक सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं, अपन फिर 10-15 क्वेश्चन करेंगे, बस इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपन को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। देखो, जैसे मान लो अपन को ये दे रखा है फादर, ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर और सन, तो इसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा? एक लॉजिकल सीक्वेंस तो इसका हो सकता है, पहले सन है, फिर फादर के पास गए क्योंकि जनरेशन एक ऊपर जा रही है, और फिर अपन ग्रैंडफादर के पास गए। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि ग्रैंडफादर को पहले लिया, फादर को पहले लिया और सन को पहले लिया। तो बस यही है, अपन को 3 इसमें दे रखे हैं, इसको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, और जो हमारा एमसीक्यू होगा उसके हिसाब से टिक करना है। दोनों हो सकते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कौन सा है? ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे, जो इसके 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे वो हमें करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या हमें ये वाला करना है, ये वाला करना है तो दोनों करेक्ट, पर बताएगा कौन की कौन सा करना है, जो हमारे आंसर्स होगी। अभी अपन देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है शोल्डर, रिस्ट, एल्बो, पाम, फिंगर। अब इसको अपन कैसे अरेंज करें, दिमाग लगाओ थोड़ा, कैसे अरेंज करें? दो तरीके अरेंज करने के, या तो अपन अपनी फिंगर से चालू करके ऊपर जाए, या फिर अपन शोल्डर से नीचे आए। तो सबसे पहले शोल्डर से नीचे आते हैं। शोल्डर लिखा, क्या लिखा है? शोल्डर लिखा, एक मिनट रुको, शोल्डर लिखा, शोल्डर से अपन नीचे आए तो क्या आएगी? एल्बो आएगी। एल्बो होता है ना, कोनी को बोलते हैं एल्बो, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारी रिस्ट आएगी, इसे क्या बोलते हैं अपन? रिस्ट बोलते हैं। उसके बाद अपनी आएगी रिस्ट। उसके बाद क्या आएगा? पाम आएगा। पाम क्या होता है? ये हमारा पाम होता है। और उसके बाद क्या आएगा? हमारी फिंगर आएगी। तो समझ में आ रही है मेरी बात? अपन को इसको अरेंज करना है। अपन ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं और उल्टा भी अरेंज कर सकते हैं, कि सबसे पहले फिंगर आई, फिंगर के बाद हमारा पाम आया, पाम के बाद हमारी रिस्ट आई, रिस्ट के बाद हमारी कोनी आई, और उसके बाद हमारा शोल्डर आया। तो इसके दो पॉसिबल इसके आंसर्स हो सकते हैं। कौन सा करेक्ट होगा इसमें जाके चेक करो। ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले इसको आप ओरिजिनल नंबर दे दो। जैसे कि ओरिजिनल नंबर का मतलब क्या हुआ? शोल्डर कितने नंबर पे था? शोल्डर 1 पे था, 1 दे दिया। एल्बो कितने नंबर पे? एल्बो हमारा थर्ड, 1, 2, 3, थर्ड नंबर पे, इसको थर्ड नंबर दे दिया। रिस्ट कितने नंबर पे? रिस्ट हमारा सेकेंड नंबर पे है, ओरिजिनल में ये है ना, तो रिस्ट हमारा सेकंड नंबर में, पाम हमारा फोर्थ नंबर पे, और फिंगर हमारा फिफ्थ नंबर पे। ऐसे ही इसको नंबरिंग दे दो, 5 दे दी, 4 दे दी, रिस्ट को 2 दे दी, एल्बो को 1 दे दी, ये सब करके नंबरिंग दे दी। अब नंबरिंग मैच कर लो कौन सी सही है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है पहले 5 आना चाहिए, 5 का मतलब पहले फिंगर आनी चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, 4 का मतलब पाम आना चाहिए, फिर ये बोल रहा है रिस्ट आनी चाहिए, फिर ये बोल रहा है एल्बो आनी चाहिए, फिर ये बोल रहा है शोल्डर आनी चाहिए। मतलब हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है? 1। समझ में आ रही है मेरी बात? अपन को चार से लेके 5 वर्ड्स दे रखे, उसको अपन को किसी एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। अपनी नॉलेज से उसको किसी एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, चाहे इंक्रीजिंग में करो या डिसेंडिंग में करो, और उसके बाद अपन को एमसीक्यू में जाके वेरीफाई करके आंसर टिक करना है। इतना ही लॉजिकल रीजनिंग है, एक बार अपन दोबारा देख लेके कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इजी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, 5 वर्ड दे रखे हैं। सबसे पहले इनकी ओरिजिनल मार्किंग कर दो। ओरिजिनल मार्किंग क्या है? ओरिजिनल मार्किंग ये वाली है, ठीक है। अब इनको अपने आप अपनी नॉलेज से अरेंज करो, अपनी नॉलेज से एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करो। अपनी नॉलेज से कैसे अरेंज करोगे? सबसे पहले तो बर्थ होगा, सबसे पहले बर्थ होगा, उसके बाद क्या होगी? उसके बाद पैदा होने के बाद से लेके आज तक क्या कर रहे हो? एजुकेशन कर रहे हो, तो एजुकेशन होगी, ठीक है। एजुकेशन के बाद क्या होगा? डेथ होगी, फ्यूनरल होगा या मैरिज होगा? ऑब्वियसली बात है मैरिज होगा, ठीक है, मैरिज हो गया। उसके बाद क्या होगा? डेथ होगी। डेथ के बाद क्या होगा? तुम्हारा फ्यूनरल करेंगे। तो लॉजिकल सीक्वेंस आया,
मैंने अपनी नॉलेज से ही जो 5 वर्ड दे रखे थे उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, और अब उनकी नंबरिंग कर दी, उनकी ओरिजिनल नंबरिंग कर दी। ओरिजिनल नंबर बोले तो बर्थ का कोड क्या था? 1 था। एजुकेशन का कोड क्या था? 5 था। मैरिज का कोड क्या था? 4 था। डेथ का कोड क्या था? 2 था। फ्यूनरल का कोड क्या था? 3। तो ये मेरे ओरिजिनल नंबर आ गए। ओरिजिनल नंबर बोले तो मतलब ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको जाके मैच करो। 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3 कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? यहाँ पर है। 1 5 4 2 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखो ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखो मेरी बात, ओरिजिनल कोडिंग क्या दे रखी है? ओरिजिनल कोडिंग ये दे रखी है। सबसे पहले ये बताओ, मेंबर से फैमिली बनती है? इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो सबसे पहले आएगा हमारा 2 और उसके बाद आएगा 1। 2 बोले तो सबसे पहले हमारे आएगा मेंबर्स, और 1 बोले तो फैमिली। इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद कंट्री और लोकेलिटी, देखो कम्युनिटी और लोकेलिटी, इसको एक बार डैश डैश कर दो। उसके बाद क्या आएगा? कंट्री आएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कंट्री तो बहुत बड़ी चीज हो गई। कंट्री के अंदर ही लोकेलिटी आएगी, कंट्री के अंदर ही कम्युनिटी आएगी, कंट्री के अंदर ही फैमिली आएगी, कंट्री के अंदर ही मेंबर आएंगे। तो कंट्री तो लास्ट में आएगा, कंट्री तो लास्ट में आएगा, ये तो पक्का है, ये तो पक्का है। तो एक बार इससे क्वेश्चन करो, इससे क्वेश्चन करेंगे तो क्या आ रहा है? इससे क्वेश्चन करेंगे तो क्या आ रहा है? तो देखो अपन ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें क्या हो गया, गलती से मैंने ये दोनों क्वेश्चन आंसर के हिसाब से उल्टे लिख दिए, तो उसके लिए सॉरी। अभी अपन इसको सही कर लेते हैं। कम्युनिटी और मेंबर्स, हमारे जो आंसर्स है ना उनके हिसाब से ये 2 वर्ड मैंने उल्टे लिख दिए थे, इसलिए दिक्कत आ रही थी। तो अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन देखो, फैमिली की कोडिंग 1 है, कम्युनिटी की कोडिंग 2 है, मेंबर्स की कोडिंग 3 है, लोकेलिटी की 4 है, और कंट्री की 5 है। सबसे पहले क्या आएगा? मेंबर। मेंबर की कोडिंग क्या है? 3। तो 3 और 1 तो पक्का, और लास्ट में कंट्री आएगा, ये तो पक्का है। अब 3 1 और 5 के हिसाब से सीक्वेंस चेक कर लो। 3 1 और 5, 3 1 और 5 किसमें? इसमें नहीं है। 3 1 और 5 इसमें है, 3 1 और 5 इसमें है। तो ये 2 में से 1 आंसर होगा, ये 2 में से 1 आंसर होगा। देखो कभी कभार अगर बीच के वर्ड समझ में नहीं आए तो एलिमिनेशन करना सीखो। एलिमिनेशन एमसीक्यू में मास्टर चीज है। अभी मॉक बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, बिना मॉक करे कुछ नहीं होगा। मॉक सीरीज लाएंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे मॉक, चिंता मत करो। सबसे पहले एलिमिनेशन करना सीखो। मान लो मेरे को लोकैलिटी और कम्युनिटी, मान लो मेरे को लोकैलिटी और कम्युनिटी वर्ड में कंफ्यूजन था, तो सबसे पहले मेरे को इतना तो पता था कि भाई मेंबर आएगा और फिर फैमिली आएगा और लास्ट में कंट्री आएगी, इतना मेरे को पक्का पता। अभी 2 बीच के वर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन के लिए मैंने एलिमिनेशन कर लिया। अब मेरे पास 2 आंसर बच रहे हैं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 50-50% हो गई। अगर मैं इन 2 में से तुक्का भी मारूंगा तो 50-50% चांस है मेरा आंसर सही होने के। अब देखो लोकैलिटी और कम्युनिटी का मतलब देखो। देखो सबसे पहले जो भी फैमिली होता है ना उसकी कम्युनिटी होती है। उसकी कम्युनिटी मतलब उसका जहां पर वो रहता है एक तरीके से कम्युनिटी, उसका रिलीजियन, उसके लोग, और उसके बाद आती है अपनी लोकैलिटी। उसके बाद अपनी आती है लोकैलिटी, कहाँ पर रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, महाराष्ट्र में रह रहा है, कोलकाता में रह रहा है, तो वो लोकैलिटी आ गई। और कम्युनिटी उसके जो आसपास के लोग होते हैं, कम्युनिटी किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं। जो कम्युनिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। और लोकैलिटी थोड़ी बड़ी चीज होती है, इनका ऑर्डर ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या? देखो सबसे पहले तो अपन से गलती हो गई थी, उसको अपन ने रेक्टिफाई कर लिया। क्वेश्चन ओरिजिनली ये है, अपन ने ये लिख लिया, इसमें थोड़ा लोकैलिटी और कम्युनिटी में मतलब मीनिंग में थोड़ा मतलब दिक्कत थी। तो हमने क्या करा, बाकी चीजों से हमने 2 आंसर निकाले, और उसके बाद हमने कम्युनिटी और लोकैलिटी का मतलब समझ लिया। कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टू लिव टुगेदर। कोई ग्रुप ऑफ पीपल साथ में रह रहा है उससे अपन बोलेंगे कम्युनिटी। और लोकैलिटी एक बहुत बड़ी चीज हो गई, सिटी हो गई, टाउन हो गया, स्टेट हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिया। अब अपन और सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि अपन को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आए। अब इनका ऑर्डर खुद बताओ, वीडियो को पॉज करो और खुद बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, वीडियो को पॉज करो और खुद बताओ। कर लिया पॉज, अब मैं आंसर बता रहा हूं। देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आप बीमार होगे, सबसे पहले आप बीमार होगे, हो गया नहीं हो गए? नहीं हो गए सर, पर अरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के सीक्वेंस के लिए अपन को बीमार होना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बीमार हुए, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे।
डॉक्टर हमारी क्या करेगा, डॉक्टर से हम कंसल्ट करेंगे, वेरियस डॉक्टर से अपन कंसल्ट करने जाते हैं कि हम इस इलाज के लिए क्या करें, हम इस इलनेस के लिए क्या करें, फिर किसी डॉक्टर का अपन ट्रीटमेंट लेंगे और उसके बाद क्या हो गया, अपन रिकवर हो जाएंगे और उसके बाद अपन क्या हो गए, रिकवर हो जाएंगे। अब मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये एकदम सीक्वेंस में चल रही है चीज़ है। सबसे पहले बीमार हो गए, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, कंसल्ट करेगा, कंसल्ट के बाद क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट के बाद तुम ठीक हो जाओगे। इसको मैच कर लो, इसको मैच करो, मैच करो, मैच करो, कहाँ पर है, ये वाला आंसर हो गया इसका, ये वाला आंसर हो गया, बस यही करना है इसमें। अब आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ये बताओ, फेस, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। वर्ड से जैसे एप्पल हो गया, एप्पल क्या है, एप्पल एक हमारा वर्ड है। लेटर से वर्ड बनते हैं, लेटर से वर्ड बनते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले इनको ओरिजिनल मार्क कर लो, लेटर से सर वर्ड बनते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अपन फ्रेज बोलते हैं और जो ग्रुप ऑफ फ्रेज है उनको अपन सेंटेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत, मतलब जैसे लेटर है, ए लेटर है, पी लेटर है, एल लेटर है, इन सारे लेटर से तो हमारा एक वर्ड बना जिसका नाम है एप्पल, और दो तीन वर्ड से एक फ्रेज बनता है और दो तीन फ्रेजेस से एक पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। 2, 3, 1, 4 जहां पर भी है उसको टिक करो और आगे चलो। देखो, इंटरेक्टिव क्लास के लिए क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो और इसको सॉल्व करो, और इसको अपना दिमाग लगा के सॉल्व करो। लॉजिकल रीजनिंग ऐसी नहीं होती वन साइडेड, लॉजिकल रीजनिंग इंटरेक्टिव होती है। तो इसको पॉज करो, सॉल्व करो और फिर लॉजिक समझो, अगर गलत है और सही है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज, जजमेंट, ये सब के लिए क्या करना पड़ेगा, पुलिस के चक्कर के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इनको ओरिजिनल मार्किंग दे दो, ओरिजिनल मार्किंग दे दी। सबसे पहले कोई क्राइम करना पड़ेगा, सबसे पहले कोई क्राइम करना पड़ेगा। क्राइम के बाद क्या आएगा, क्राइम के बाद हमारा पुलिस आएगी, क्राइम के बाद क्या होगा, पुलिस आएगी, पुलिस क्या करे, फिर पुलिस आपको कहां ले, पुलिस के बाद क्या होगा, पुलिस आपको जज के पास लेके जाएगी, जज आपके ऊपर क्या करेगा, जजमेंट देगा, और जजमेंट से अल्टीमेटली आपको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी, आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो क्राइम का नंबर क्या है, 3 हो गया, पुलिस का नंबर क्या है, 1 हो गया, जज का नंबर क्या है, 4 हो गया, जजमेंट का क्या हो गया, 5, और पनिशमेंट का क्या हो गया, 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3, 1, 4, 5, 2। इसको उठा के मैच कर लो, मैच करने पर क्या आया, आंसर डी आया। अपन को एक लॉजिकल सीक्वेंस बनानी है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसकी एक लॉजिकल सीक्वेंस बना के उसको जज करके अपनी नॉलेज से करो, किसी चीज से भी उसकी एक सीक्वेंस बनाओ और उसको आंसर कर दो, ठीक है। अब ये देखो, गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लैटिनम, डायमंड, इनका क्या कनेक्शन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। डायमंड महंगी चीज होती है, प्लैटिनम भी महंगी चीज होती है, गोल्ड भी महंगी होती है, ये दोनों सस्ती होती है, तो कुछ सस्ता महंगे का रिलेशन आ रहा है। अगर कुछ सस्ते महंगे का रिलेशन आ रहा है, सबसे पहले इनको ओरिजिनल नंबर दे दो। अब सबसे पहले क्या होगा, सैंड की कोई वैल्यू होती है, सैंड की वैल्यू नहीं होती, अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, कोई सा भी ऑर्डर कर सकते हैं, सैंड की कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद आयरन की थोड़ी वैल्यू होती है, उसके बाद गोल्ड की थोड़ी वैल्यू होती है, फिर डायमंड की थोड़ी वैल्यू होती है, डायमंड की थोड़ी वैल्यू होती है, उसके बाद हमारे प्लैटिनम की थोड़ी वैल्यू होती है, प्लैटिनम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो हमारा ऑर्डर ये आया नहीं आया, इसको अपन उल्टा भी कर सकते हैं, इसको अपन उल्टा करें, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, प्लैटिनम, डायमंड, डिसेंडिंग में करेंगे तो क्या होगा, गोल्ड, आयरन और ये सैंड। समझ में आ रही है मेरी बात। अब इनको चेक कर लो, इनको चेक करो, सबसे पहले अब इनको नंबरिंग दे दो, हमारे ओरिजिनल नंबर के हिसाब से नंबरिंग दे दो, 4, 5, गोल्ड का 1, आयरन का 2, सैंड का 3, और इसके अंदर क्या होगा, सैंड का 3, आयरन का 2, गोल्ड का 1, डायमंड का 5 और प्लैटिनम का 4। जो भी मैच करे, 3, 2, 1, 5, 4 भी आ रहा है, ये रहा, ये देखो, ये वाला मैच हो गया।
अब बोलो कि सर ये वाला मैच भी हो रहा है, देखो 4-5-1, अरे आगे भी तो देखो, इधर तो 2-3 दे रखा है, इधर 3-2 दे रखा है, कोई भी मैच नहीं होगा, दोनों में से एक ही ऑर्डर गिवन होगा, ये पक्की बात है। और अगर दोनों ऑर्डर गिवन हो गए तो बोथ आंसर भी होगा कि बोथ आंसर ए एंड बी, समझ में आ रही है मेरी बात? तो अपन को बस ऐसे ही लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस मैंने लिए है ना ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। अब इसका ऑर्डर देखो, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज। देखो पहली बार करोगे दिक्कत आएगी, दूसरी बार करोगे ना सब दिमाग में फीड हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है कंट्री की, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हो रहा है, जब हमारा एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो हमें क्या होगा, बेरोजगारी, मतलब हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमें कोई सैलरी नहीं देगा, तो हमें पॉवर्टी आएगी, पॉवर्टी आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो अगर पॉवर्टी हो गई मतलब हमारे पास पैसों की कमी हो गई, और अगर हमको कोई डिजीज हो गई, अगर हमको कोई डिजीज हो गई तो हम फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, हमारी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो यही चीज इसमें दे रखा है कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट के कारण पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी के कारण डिजीज से डेथ हो सकती है। तो इसका सीक्वेंस बताओ, सबसे पहले इसको ओरिजिनल मार्किंग दे दो, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसकी मार्किंग इसके हिसाब से करो, पॉपुलेशन का नंबर क्या है, 2 है, अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर क्या है, 4 है, पावर्टी का नंबर क्या है, 1 है, डिजीज का नंबर क्या है, डिजीज का नंबर 5 है, और डेथ का नंबर क्या है, 3। तो इसका नंबर क्या हो गया, 2, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 3 कहाँ पर है, 2, 4, 1, 5, 3 सर यहाँ पर है। तो अपन को लॉजिकल सीक्वेंस बहुत अच्छा आ गया, अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए अपन अटेम्प्ट कर लेंगे। मान लो अपन को कुछ नहीं आता तो तुक्का मार सकते हैं, एलिमिनेशन करके स्टार्टिंग और लास्ट का देख के बीच का हटा के एक तुक्का तो मार ही सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये देखो नॉलेज पे क्वेश्चन आ गया, अपन ने एक फूड साइकिल पढ़ी थी 9th-10th क्लास में, सर 9th-10th का कैसे याद होगा। तो इसमें कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अपन को बिल्कुल भी नहीं आते, जिनका रेलेवेंस अपन को बिल्कुल नहीं पता, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक बार देख लो जिससे कि कोई दिक्कत ना है। सबसे पहले क्या होता है, देखो ग्रास को कौन खाता है, ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर, जिसका नाम क्या होता है, टिड्डी, जिसका नाम क्या होता है, लोकस्ट। अभी कई स्टेट्स में लोकस्ट का अटैक भी हुआ था, वो क्या करता है, ग्रास को खाता है, तभी इसका नाम ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है, और स्नेक को कौन खाता है, स्नेक को ईगल खाती है, स्नेक को कौन खाती है, ईगल खाती है। तो ये हमारी फूड चेन होती है, इसको एक बार समझ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल को एग्जाम में आए तो अपन को तो आना चाहिए, सीएस गो वाले बच्चों को तो ये वाला क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है, और स्नेक को कौन खाता है, ईगल खाता है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, ग्रास, इसकी ओरिजिनल नंबरिंग कर दो, ओरिजिनल नंबरिंग कर दी, अब नंबरिंग करो 5, उसके बाद क्या आ रहा है, 3, फिर फ्रॉग का नंबर क्या है, 1, स्नेक का नंबर क्या है, 4, और ईगल का नंबर क्या है, ईगल का नंबर है 2। तो आंसर क्या आना चाहिए, 5, 3, 1, 4, 2। ये आंसर कहीं पर है या नहीं है, सर ये रहा आंसर, तो बस आंसर मार्क करो, नंबर लो और आगे चलो, आंसर मार्क करो, नंबर लो और आगे चलो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें अपन को एक चीज तो पता है, इसमें अपन को एक चीज पता है, जिन लोगों को मतलब इनका, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता उनको ये तो पता है कि, अभी बताता हूं मैं, देखो उन लोगों को ये तो पता है नाइट का मतलब क्या होता है, नाइट का मतलब तो एकदम शाम हो जाती है, तो नाइट तो आएगा 1, 2, 3, 4, नाइट तो आएगा लास्ट में, नाइट आएगा लास्ट में, लास्ट का मतलब क्या हुआ, लास्ट का मतलब हुआ हमारे 2, समझ में आ रही है मेरी बात। देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ट्रिक सीखो, अपन को इनका मतलब नहीं पता पर हमें ये तो बचपन से पढ़ा है ना, नाइट तो लास्ट में आती है, सबसे पहले इवनिंग होगी, डॉन होगा, नून होगा, जो भी होगा, जो कुछ भी होगा, नाइट तो हमारी, गुड नाइट तो हमारे लास्ट में होगी, दिन के लास्ट वाली चीज को अपन क्या बोलते हैं, नाइट, गुड नाइट, ठीक है। तो नाइट तो हमारी लास्ट में होगी, मतलब लास्ट में आएगा 2, लास्ट में आएगा 2,
टू लास्ट में कहां पर है, एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। अब अगर हमें कुछ भी नहीं आता, अब अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो भी हमारी एक्यूरेसी आंसर करने की 50-50% रहेगी। अगर हमारा लक फेवर करेगा तो हमारा आंसर सही होगा या गलत होगा, बीच में कोई कोई नहीं आएगा, समझ रहे हो। अब इनका ओरिजिनल मतलब समझो, देखो इसमें क्या चक्कर है, इसमें क्या होता है, जो सुबह का टाइम होता है उसको अपन डॉन बोलते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा नून आता है, उसके बाद रात के 12 बजते हैं उनको अपन नून बोलते हैं, फिर क्या आता है, इवनिंग आती है शाम, और जो शाम और नाइट के पहले का, शाम और नाइट के बीच का गैप होता है जिसमें कुछ अंधेरा टाइप होता है, सूरज टाइप होता है, उसको अपन बोलते हैं डस्क, उसको अपन बोलते हैं डस्क। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो सबसे पहले डॉन होता है, जो सुबह मॉर्निंग का सीनरी होता है उसको अपन डॉन बोल सकते हैं, फिर दोपहर होती है रात, ये अपने दोपहर के 12 बजते हैं, फिर शाम होती है, और शाम और रात के बीच में, शाम और रात के बीच में जो ये होता है ना उसको अपन डस्क बोलते हैं, डुआन एंड डस्क। तो समझ में आ रही है? तो इससे अपना आंसर क्या आ गया, डी आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह रिपीट हो चुका है इसलिए मैंने लिया है। कम से कम मेरे सारे क्वेश्चन तो ढंग से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, इनमें क्या है, इनमें क्या है, इनमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। मैं रॉ मटेरियल का दोबारा लिखूंगा, मैं रॉ मटेरियल का कोड लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई ना कोई रॉ मटेरियल से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, प्रोड्यूस करने के बाद वो बंदा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो बंदा उसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या होगा, वो बंदा जिसको डिस्ट्रीब्यूट करा है वो सेल करेगा, और सेल करने के बाद क्या होगा, जिसको सेल करा है सेलर ने, वो बंदा उसको कंज्यूम करेगा, वो बंदा उसको कंज्यूम करेगा। मैंने इन वर्ड्स को लॉजिकल सीक्वेंस में आंसर करके अपनी एक कोडिंग बनाई, और उस कोडिंग से मैंने रेलिवेंट एमसीक्यू पे टिक करके नंबर ले लिया, और नंबर लेने के बाद क्या करते हैं, आगे चलते हैं। नंबर लेने के बाद क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया, उसके बाद और क्वेश्चन कहाँ गए, और क्वेश्चन कहाँ गए, रुको रुको एक बार। हाँ ये रहे, सबसे पहले देखो यार ये तो क्या क्वेश्चन है, इसमें तो मैं क्या बताऊँ। सबसे पहले इनको ओरिजिनल नंबर में मार्क कर दो। सुबह उठ के क्या करते हो, सुबह उठ के अपन क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद अपन क्या करते हैं, लंच करते हैं, लंच के बाद अपन क्या करते हैं, दोपहर के टाइम में स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, और रात को क्या करते हैं, डिनर करते हैं। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करा अपन ने, आंसर निकाल के अपन आगे चले। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले किंडरगार्टन में नहीं जाते बच्चे, सबसे पहले किंडरगार्टन में जाते हैं, उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं बेचारे भूले वाले, कॉलेज में जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जॉब करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मैरिज करते हैं, मैरिज के बाद क्या करते हैं, रिटायरमेंट करते हैं। तो 1 3 2 4 5 1 3 2 4 5 ये आंसर हो गया। अब देखो स्पीड बढ़ गई, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट अपन पहले डिस्कस कर चुके, पहले बहुत जोर आ रहा था क्योंकि पहले अपन को लग रहा था यार ये क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, पर अब अपन को समझ में आ गया कि हमें एक सीक्वेंस अरेंज करना है। अब देखो सबसे पहले, अब इनका क्या रिलेवेंस है, सबसे पहले हमारा फोरहेड, फोरहेड बोले तो सर फोरहेड आएगा, ठीक है फोरहेड आएगा। सबसे पहले अपन इनको लॉजिकल इनके ओरिजिनल नंबर में कोडिंग कर दें। अब सबसे पहले क्या आएगा, फोरहेड, फोरहेड के नीचे चलो, फोरहेड के नीचे चलोगे तो क्या आएगा, आइज आएगा, आइज के नीचे चलो, बॉडी के अंदर नीचे मूवमेंट करो तो हमारी एल्बो आएगी, एल्बो आएगी, एल्बो के बाद क्या आएगा, हमारा पाम आएगा, हथेली आएगी, हाथ आएगा, और फिर हमारा और नीचे चले गए तो नेल आएगा। इसको अपन उल्टा भी कर सकते हैं, इसको अपन उल्टा भी कर सकते हैं, दोनों आंसर सही है, पर सही आंसर बताएगा कौन, हमारा एमसीक्यू बताएगा। एमसीक्यू में कौन सा आंसर सही है, एमसीक्यू में ये वाली कोडिंग गिवन है, समझ रहे हो। सर के नीचे चलोगे तो आंख आएगी, आंख के और नीचे चलोगे तो एल्बो आएगी, एल्बो के नीचे चलोगे तो पाम आएगा, और पाम के बाद हमारा नेल आएगा। तो 15th वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब ये वाला देखो 16th, कितना इजी है। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 14th नवंबर, इनको अरेंज कर दो लॉजिकल सीक्वेंस में। अपन तो जनवरी से चालू करते हैं, हो सकता है ये डिसेंडिंग में हो सकता है असेंडिंग में हो, ये कौन बताएगा, ये हमारा एमसीक्यू बताएगा। अपन ने यहां से चालू करा, 26 जनवरी फर्स्ट आता है तो 4th नंबर फर्स्ट आया, फिर अगस्त आता है तो 3rd नंबर आया, अगस्त के बाद कहता है अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, 2 अक्टूबर आएगा गांधी जी, और अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर चिल्ड्रंस डे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 आंसर क्या हो गया, ये
एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपन मॉड्यूल को भी देख लेंगे, मॉड्यूल में क्या बचा क्या नहीं बचा। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इतने सारे का मीनिंग मतलब ढंग से नहीं पता होता, पर ये क्वेश्चन बहुत जगह रिपीट होता है तो समझ लो। देखो हट का मतलब होता है झोपड़ी, हट हट पुराने टाइम में हट में रहते थे तो झोपड़ी में रहते थे। तो ये वाला तो आएगा, थ्री वाला तो हमारा फर्स्ट होएगा, थ्री वाला तो हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद हमारे फ्लैट आते हैं, फिर हाउस आते हैं, हाउस के बाद हमारा बंगलो आता है, और बंगलो के बाद हमारा एक तो मैंशन आता है, और फिर पैलेस आता है, मैंशन आता है और पैलेस आता है, समझ रहे हो। अब देखो मैंशन और पैलेस का क्या सीन है, मैंशन और पैलेस का ये सीन है, पैलेस का मतलब तो होता है बहुत बड़ा राज दरबार, किंग का पैलेस, तो पैलेस तो सबसे ज्यादा सुपीरियर हो गया, इसलिए पैलेस लास्ट में आया है। लास्ट में आया है तो या तो इधर आ सकता है या इधर आ सकता है, ठीक है। तो ये दो को एलिमिनेट कर दो। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मैंशन का मतलब हवेली होता है, मैंशन का मतलब क्या होता है, हवेली होता है, तो हवेली पैलेस के नीचे आती है, और उसके बाद क्या आता है, बंगलो आता है, और स्टार्टिंग में क्या आता है, झोपड़ी आती है, फिर फ्लैट आता है, और फिर हमारा इंडिपेंडेंट घर आता है। तो ये इसकी सीक्वेंस है, ये इसकी सीक्वेंस है, इसको समझ लो ढंग से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने देखो 17 क्वेश्चन, अपन ने 17 क्वेश्चन डिस्कस करे, अपन ने 17 क्वेश्चन डिस्कस करे, फादर वाला कर लिया, शोल्डर वाला कर लिया, फैमिली वाला कर लिया, बर्थ डेथ वाला कर लिया, कंसल्टेशन वाला कर लिया, लेटर वाला कर लिया, पुलिस वाला कर लिया, गोल्ड आयरन सिल्वर कर लिया, गोल्ड आयरन सिल्वर कर लिया, पावर्टी कर लिया, पॉपुलेशन कर लिया, फ्रॉग कर लिया, अपन ने इवनिंग कर लिया, अपन ने डिस्ट्रीब्यूटर वाला कर लिया, अपन ने लंच वाला कर लिया, किंडरगार्टन भी कर लिया, फोरहेड भी कर लिया, गांधी जी वाला भी कर लिया, और बंगलो वाला भी कर लिया। अपन ने 17 क्वेश्चन इसके डिस्कस करें। अब अपन एक बार मॉड्यूल को भी देख लेते हैं कि मॉड्यूल में क्या दिक्कत है। अब देखो मॉड्यूल में क्या है, ये अरेंज, डेथ, एजुकेशन, बर्थ वाले ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद और देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया क्वेश्चन है क्या, क्योंकि अपन ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुके हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देख लो क्या है, इसमें क्या चीज़ है। सबसे पहले काओ, सबसे पहले क्या करेगी, काओ, काओ क्या करेगी, काओ अपनी ग्रास खाएगी, काओ ग्रास खाएगी, उससे काओ क्या प्रोड्यूस करेगी, मिल्क प्रोड्यूस करेगी, मिल्क से क्या बनेगा, दही बनेगा, कर्ड, और कर्ड से क्या बनेगा, बटर बनेगा। तो इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर। इसके बाद देखो ये की डोर लॉक वाला समझो, सबसे पहली बात की किस में लगाओगे, की हमारी, ये हमारा वन है, की हमारी किस में लगेगी, की हमारे लॉक में लगेगी, लॉक किस में होगा, लॉक हमारा होगा डोर में होगा, और डोर से क्या होगा, डोर डोर से क्या होगा, रूम खुलेगा, और रूम खुलने के बाद अपन क्या करेंगे, रूम के अंदर की लाइट जलाएंगे। एक दिमाग में सोचो, सबसे पहले अपन ने की लॉक में लगाई, लॉक किस में होता है, दरवाजे के अंदर होता है, दरवाजा अपन ने खोला तो अपन रूम के अंदर पहुंचे, और रूम के अंदर पहुंच के अपन ने स्विच ऑन करा, अपन ने लाइट चालू करी, तो ये वाला हो गया। ये वर्ड पैराग्राफ सेंटेंस वाला भी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, पुलिस पनिशमेंट वाला भी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके बाद देखो ये फैमिली वाला भी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, और पावर्टी वाला भी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अपन ने लॉजिकल सीक्वेंस जो हमारा टॉपिक था, देखो मैं एक और बार दिखाऊँ इसको, ये हमारा मॉड्यूल का एक चैप्टर था लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट हमारा टॉपिक था, ये अपन ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछना, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सअप करके पूछना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दे रखा है उसमें ज्वाइन करो, उसमें काफ़ी नोट्स और आते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।